हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड अफेयर केक्स एंड कुकिंग क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने देखा पिज्ज़ा डो कैसे बनाते हैं। एक मैजिक डो हमने बनाया जो अलग अलग रेसिपीज में यूज होगा ब्रेड्स की। तो अब हम पिज्ज़ा बनाएंगे। तो पिज्ज़ा के लिए हमें चाहिए होगा पिज्ज़ा सॉस। पिज्ज़ा सॉस वैसे तो स्टोर्स में मिल जाता है, लेकिन उसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव होते हैं और खाने में काफ़ी खट्टा लगता है। तो आज हम घर पर पिज्ज़ा सॉस बनाना सीखेंगे। बहुत बेसिक इन्ग्रीडियंट यूज़ करेंगे इसमें भी, और बहुत आसानी से आप ये घर पर बना सकते हो। हम इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं यूज़ करेंगे, तो इसका शेल्फ लाइफ जो होगा या रेफ्रिजरेटर लाइफ जो होगा वो अराउंड 3 to 4 days होगा अगर आप इसको एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करो। तो हम सारी चीज़ें फ्रेश ही बनाएंगे और फ्रेश ही खाएंगे, इसको ज़्यादा प्रिजर्व करने के बारे में हम नहीं सोचेंगे। अगर आप प्रिजर्व करना भी चाहते हो तो आप कुछ प्रिजर्वेटिव ऐड करके इस रेसिपी को आप ज़्यादा दिनों के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पिज़्ज़ा सॉस बनाने के लिए क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स यूज़ करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाते हैं पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे वो देख लेते हैं। यह है 3 टमाटर जो बारीक चॉप किए हैं मैंने। लहसुन लिया है हमने लगभग 2 टेबलस्पून फाइन चॉप किया हुआ। प्याज है, ये एक छोटा प्याज है बारीक चॉप किया हुआ। बेसिल लीव्स यूज़ करेंगे। उसके बाद ये है ओरिगैनो सीजनिंग। चिली फ्लेक्स यूज़ करेंगे हम थोड़ा तीखापन के लिए। ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च पाउडर है ये। नमक डालेंगे हम थोड़ा सा, और हम यूज़ करेंगे चीनी। यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैं ऑलिव ऑयल यूज़ कर रहा हूँ। आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हो, जो भी आप घर पे यूज़ करते हैं वो। और थोड़ा सा बटर भी हम यूज़ करेंगे टेस्ट के लिए, और उसके साथ साथ टोमेटो केचप भी हम यूज़ करने वाले हैं। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हो गए। अब देखते हैं पिज़्ज़ा सॉस कैसे बनाते हैं। तो चलिए बनाते हैं पिज़्ज़ा सॉस। मैं इस फ्राइंग पैन में बनाने वाला हूँ, आप किसी भी बर्तन में बना सकते हैं। सबसे पहले मैंने पैन में डाला है ऑयल, ऑलिव ऑयल डाला है मैंने। उसके साथ ही हम डालेंगे बटर, और जैसे ही बटर थोड़ा सा मेल्ट हो जाए हम इसमें डालेंगे प्याज और लहसुन। प्याज और लहसुन एक साथ ही डालेंगे, और इसको ज़्यादा हमने लाल कलर होने तक पकाना नहीं है। जस्ट हाई फ्लेम पे इसको थोड़ा सौते करेंगे ताकि सारे फ्लेवर जो है वो ऑयल में उतर जाए, और इसको कंटिन्यूसली स्टर करते रहें आप। मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको कुक करेंगे, और जैसे ये थोड़ा सा कुक हो जाए हम इसमें डालेंगे टमाटर। तो ये अब मैं टमाटर ऐड कर रहा हूँ। टमाटर आप जितने फाइन चॉप करोगे उतना आपका काम इजी हो जाएगा, और मैं इसको ग्राइंड नहीं करने वाला हूँ बाद में। आप चाहते हैं तो पहले से ही टमाटो की पेस्ट बना के आप वैसे भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैंने फाइन चॉप किया है और मैं ऐसे ही पसंद करता हूँ। तो अब टमाटर को हम कुक करेंगे 2 से 3 मिनट तक। इस पर एक लिड रख देंगे हम ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। ये देखो एक लिड रख दिया है मैंने फ्राइंग पैन के ऊपर, और अब इसको बीच बीच में हम चलाते रहेंगे। टमाटर अभी अच्छे से गल चुके हैं, तो इसमें डालेंगे स्पाइसेस, बेसिल लीव्स, ओरिगैनो सीजनिंग, चिली फ्लेक्स, काली मिर्च पाउडर, नमक और शुगर। तो ये सारी चीज़ें डाल के ये जो सॉस है इसको हम कुक करेंगे। जितना पानी टमाटर में आएगा उतने ही पानी में इसको हमने कुक करना है, और एक्स्ट्रा पानी नहीं डालेंगे हम। अब हम डालेंगे इसमें टोमेटो केचप। ये वीडियो में थोड़े फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, अदरवाइज ये पूरा प्रोसेस जो है वो अराउंड 3 to 4 मिनट्स का प्रोसेस है। अब देखो केचप डालने से इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है, और इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आएगा केचप डालने से। तो अब ये पिज़्ज़ा सॉस हमारा रेडी है, इसको पहले कूल करेंगे और फिर हम इसको यूज़ करेंगे।